नौ हिस्सों में प्रगति मैदान जहाँ चल रही है फ्लोवर बायो इंडिया एग्जीबिशन, जो संबंधित है शरीर के हर पार्ट्स के हिसाब से। कुछ यहाँ पे डिवाइस भी आए हैं, कुछ यहाँ पे नई नई टेक्नोलॉजी आई है, तो ये सब चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे थे डीसीएफ न्यूज एक्सपो मदन बोध के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो स्टूडेंट हैं वो यहाँ पर आकर देखें कि यहाँ पर नई मेडिकल के हिसाब से नई 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 आइटमें आई हैं और नई नई दवाइयाँ और नए नए इंस्ट्रूमेंट आए थे। चलते हैं अंदर और दिखलाएंगे अब आपको हम कैसे कैसे यहाँ पर आए हुए हैं और कहाँ कौन कौन से स्टेट्स के। आप देख रहे हैं बीसीएल न्यूज एक्सपो। सर नमस्कार। नमस्कार सर, कहाँ से आए हैं आप? सर मैं एक कंपनी है बैंगलोर में, फोरस हिल्स प्राइवेट लिमिटेड, उससे हम लोग आए हैं। हमने यहाँ डिस्प्ले पर एक डिवाइस लगाया है जो प्री टर्म बेबीज या जो बेबीज कम वजन के पैदा होते हैं, समय से पहले पैदा होते हैं, उनकी आंख को जांच करने के लिए है। उन बच्चों में एक बीमारी का रिस्क होता है जिसे आरओपी बोलते हैं, रेटिनोपैथी ऑफ प्री मेच्योरिटी। अगर उसकी समय से जांच ना हो तो बच्चा उम्र भर के लिए अंधेपन का शिकार हो सकता है। तो इस ये फंडस कैमरा है, इससे हम इमेजेस ले सकते हैं। जो इमेजेस आपको यहाँ दिख रही हैं, तो डॉक्टर इन इमेजेस में देख करके पता कर सकता है बच्चे को वो बीमारी है कि नहीं है, और उसके बेस पर वो डिसीजन ले सकता है कि बीमारी है तो क्या ट्रीटमेंट देना है। तो समय पर जांच करने की ज़रूरत को देखते हुए इसका हमने इन्वेंशन किया है, और ये इंडियन कंपनी है, इंडिजिनस प्रोडक्ट है। तो ये क्या पहली बार बनी है डिवाइस? इंडिया में हम ही बनाते हैं, हमने पहली बार बनाई है। दुनिया में हम दूसरी कंपनी है जिनके पास ऐसा कैमरा है। पहली कंपनी एक अमेरिकन कंपनी है जो बनाती है, और हम इसे ग्लोबली पूरी दुनिया में बेचते हैं, इंडिया में ही नहीं पूरी दुनिया के बाहर भी बेचते हैं। तो आपने देखा कि ये डिवाइस भारत के अंदर पहली बार बनी है, और जो डिवाइस पहले आती थी एक ही कंपनी बनाती है जो इंडिया में भी आती थी, और इस समय ये पूरी दुनिया के अंदर सप्लाई कर रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार सर, ये एग्जीबिशन है। हाँ जी। तो इसके अंदर आप क्या लेके आए हो? आपने सिंथेटिक डायमंड या लैब ग्रोन डायमंड के बारे में सुना होगा। हम लोग डेंटल कटिंग टूल्स बनाते हैं जिसके ऊपर हम ये हीरा तैयार करते हैं, जिसके वजह से इनकी परफॉर्मेंस ज़्यादा होती है, इनकी एक्यूरेसी ज़्यादा होती है, और अच्छे प्रोसीजर्स तैयार होते हैं। ये सारे प्रोडक्ट्स बाहर बनते थे, देश के बाहर बनते थे, पहली बार हम इंडिया में बना रहे हैं, और हम इतना अच्छा बना रहे हैं कि इसको हम एक्सपोर्ट भी करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो पहले भी से कोई कर रहा होगा आपके पास या? नहीं, हमारी जो टेक्नोलॉजी दुनिया में पहली बार हो रही है, पहले कोई नहीं बनाता था। बेसिक डेंटल टूल्स ही यहाँ पर लगभग 100% इम्पोर्ट होते हैं, उसके बदले हम इंडिया में बनाए, इसलिए इंडिया में बनाया। थैंक यू सर। मैडम जी नमस्कार। हाँ जी। तो आप जो यहाँ पे लेके आए हैं तो क्या लेके आए हैं? ये सिंगल यूज बायो रिएक्टर्स है जो कि बायोलॉजिक्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज होता है। बायोलॉजिक्स इट मीन्स एनी काइंड ऑफ लाइक अ वैक्सीन, वायरल वेक्टर, सेल एंड जीन थेरेपी, जिसकी प्रोडक्शन को करने के लिए ये मशीनरी को हम यूज करते हैं। तो मशीनरी ये आपकी? ये पार्ट है मशीन का, बेसिकली ये जो है इट्स अ वेसल, इट्स अ सिलिंड्रिकल वेसल जिसके अंदर में मिक्सिंग ऑपरेशंस होता है। इसके साथ में एक यूनिट आता है जो कि पूरा डॉकिंग स्टेशन है, जिसके ऊपर ये मशीन को माउंट किया जाता है एंड फिर उसको कंट्रोल किया जाता है विद द कंट्रोलर यूनिट। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। नमस्कार मैडम। नमस्ते। कहाँ से आए हैं आप? मैं बैंगलोर से आई हूँ, मेरा नाम प्रियंका है। मैं जिस कंपनी से आई हूँ उसका नाम है जेनित्री इनोवेशंस, और जेनित्री काम करता है मेटर्नल एंड न्यूबॉर्न हेल्थ इश्यूज़ पे। सो जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारा डिवाइस है जो कि फीटल हार्ट रेट, मेटर्नल हार्ट रेट एंड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन जैसे पैरामीटर हॉस्पिटल में मॉनिटर करने में हेल्प करते हैं। और फिर ये एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन से कनेक्टेड है जिसमें डॉक्टर्स कहीं भी हों वो ये रीडिंग्स देख सकते हैं और बता सकते हैं कि पेशेंट की उस टाइम पे हालत कैसी है, और अगर कुछ एक्शन लेना है जैसे कि रेफरल करना है पेशेंट को दूसरे हॉस्पिटल में। सो ये रूरल हॉस्पिटल्स और रिमोट हॉस्पिटल में बहुत उपयोगी और इम्पॉर्टेंट डिवाइस है। हमने अभी तक 400 हॉस्पिटल्स में इसको डिप्लॉय करा है इंडिया में और 9 अदर कंट्रीज़ में, एंड अब तक हम 60,000 प्रेगनेंसीज मॉनिटर कर चुके हैं इस डिवाइस से। ठीक है, थैंक यू। नमस्कार सर, कहाँ से आए हैं आप?
हम लोग बैंगलोर से आए हैं. क्या लेके आए हैं यहाँ पे? बैंगलोर से पैंडोरम टेक्नोलॉजी से हम लोग हैं और डॉक्टर शॉप आई चैरिटी हॉस्पिटल से. हम लोग कॉर्नियल रीजनरेशन पे काम करते हैं, तो हम बायो प्रिंटेड लेंटिकल्स लेके आए हैं. दिख रहा है आपको? हाँ जी दिख रहा है. और इसी को हम दिखा रहे हैं कि ये सेल प्रिंटिंग है. एक बायो प्रिंटर की मदद से हम इस बायो इंक को प्रिंट करके ये इस शेप में बना सकते हैं. अच्छा. जो कि कॉर्नियल डैमेज जो होता है उसमें हम इसको यूज़ कर सकते हैं, और इसको हम एक लिक्विड फॉर्म में ड्रॉप की तरह भी यूज़ कर सकते हैं. जब अगर कोई डैमेज हो उसमें डायरेक्ट लिक्विड डालने पे वो 90 डेज में वापस हील हो जाएगा और विजन रीस्टोर हो जाएगा. तो ये जो आप देख रहे हैं माइक्रोस्कोप में, ये रैबिट कॉर्निया के स्लाइड्स हैं जो आफ्टर ट्रीटमेंट वो वापस फिर से जैसे नॉर्मल सेल्स थे वैसे आ गए, और ये उसके विजन रीस्टोरेशन में हेल्प करेगा. ठीक है, थैंक यू सर. नमस्कार. नमस्कार सर. कहाँ से आए हैं आप? हम बैंगलोर से आया. क्या 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 लेके आया है? हम लोग प्रोटीन बनाते हैं. प्रोटीन? हाँ, हम लोग जो जो दिल्ली का नेचुरल गैस है ना, तो जो नेचुरल गैस लेते हैं उसमें मीथेन रहता है ज्यादा, वो मीथेन से हम प्रोटीन बनाते हैं. अच्छा. ओके. ये प्रोटीन है हम जो हम फर्मेंटेशन में प्रोसेस में ग्रो करते हैं. अच्छा. ओके. उसके बाद जो प्रोसेस करके हम लोग बनाते हैं जो ये वाला एग्रीकल्चर के लिए. अच्छा. ये प्रोडक्ट एग्रीकल्चर है. मैं इसके बारे में बताता हूँ. ये वाला एनिमल न्यूट्रिशन है, एनिमल फीड प्रोटीन है. ओके. ये वाला ह्यूमन न्यूट्रिशन प्रोटीन है. पहले ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बताता हूँ. इसका प्रोडक्ट का नाम है क्लीन राइस है. ओके. ये जो पैडी का यील्ड है, यील्ड बढ़ाने के लिए. ओके. ये वाला आप एक एकड़ में ये प्रोडक्ट डाला तो आपका पैडी का यील्ड 20% तक ज़्यादा हो जाता है. अच्छा. उसके अलावा आपका जो पैडी है मीथेन गैस एमिट करती है, उसका भी एक कम, इट विल रिड्यूस मीथेन गैस का एमिशन उसका. ओके. ये वाला ग्रेप्स के लिए. अच्छा. ग्रेप यील्ड बढ़ाने के लिए. ये वाला टी के लिए. और ये वाला सभी वेजिटेबल्स और फ्लेवर्स के लिए. और ये प्रोडक्ट गेहूँ के लिए, गेहूँ और सोया वैसा सबके लिए. ये वाला. अच्छा. हाँ, ये वाला एनिमल फीड प्रोटीन है. ओके. एनिमल का जो फूड में मिक्स करके ये वाला डाल सकते हैं, और ये वाला लोगों के लिए हम लोग खा सकते हैं. इसका अभी रिसर्च चालू है, एक बार अप्रूवल सभी होने के बाद ये तैयार रहता है. अच्छा. तो कितने साल से कर रहे हो आप? हम लोग 10 साल से काम कर रहे हैं इसके ऊपर. तो माल बेचने चालू करा इसका? आखिरी वाला हम चालू किया. अच्छा. ये नया प्रोडक्ट? ये नया प्रोडक्ट है. ठीक है सर, थैंक यू सर. नमस्कार. नमस्कार. बताया आप किस लिए आए हैं? दिस इज शोभना फ्रॉम मेडारा टेक्नोलॉजीज. बेसिकली वी आर इनटू अ काइंड ऑफ रूरल हेल्थकेयर रिमोट इंटरैक्टिव मशीन डेवलपर्स. सो यू कैन सी हियर दिस मशीन इज एक्चुअली अ स्टैंडअलोन मशीन. सो वी आर जस्ट ब्रिजिंग द गैप ऑफ डॉक्टर्स एंड द पेशेंट्स, एस्पेशली फोकसिंग द रूरल मार्केट्स. Because this is where we need to focus, because there is a loss of life happening, especially in rural areas, because of lack of healthcare facilities. So this one-stop solution will give you a mini clinic kind of structure, which will also connect the doctor and patient in real time. So we have nearly 51 vitals here, along with that blood checks. So what will happen is, in real time, the doctor can see the vitals on the spot, because we are using the other technology called MediBlocks. So that are very much useful for the doctors to analyze the patients. And similarly, this machine will also help to find the novel disease based on the symptoms of the particular patients. So this kind of solution we have, and this is 5G LoRa SAT enabled device. मैडम जी नमस्कार. नमस्कार सर. तो यहाँ पे आप कहाँ से आए हैं? जेनेक्स जीनोमिक्स प्राइवेट लिमिटेड नागपुर से आए हैं. तो क्या लेके आए हैं आप? सो हम वी डेवलप रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स एंड एंटीबॉडीज. सो दीज एंटीबॉडीज एंड प्रोटीन्स आर यूटिलाइज फॉर डायग्नोस्टिक पर्पज एज वेल एज फॉर थेरेप्यूटिक पर्पज. सो वी डू प्रोवाइड द कस्टम एंटीबॉडी एंड प्रोटीन डेवलपमेंट सर्विस, एंड ऑल्सो वी हैव अ प्रोडक्ट्स ऑफ आवर ओन. कितने साल से कर रहे थे ये? सो हमारी कंपनी 2011 में रजिस्टर हुई थी, तो ऑलमोस्ट लाइक 10-11 ईयर्स.
थैंक यू सर. नमस्कार. नमस्कार. कहाँ से आए हैं? मैं आया हूँ दत्ता मेघी इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च वर्धा से. हम होस्ट करते हैं न्यूजन IIDC. उसके अंदर हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ये प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, उसको मैं रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे आया हूँ. क्या क्या लेके आए हैं आप उसका? जैसे ये है हैंड हेल्ड सर्वाइकल कैंसर डिटेक्शन किट. इसके अंदर अपन मोबाइल लगाएंगे, उससे अपन उस सर्वाइकल कैंसर को डिटेक्ट कर सकते हैं. ये एक डिवाइस है. दूसरा ये एक डिवाइस है जो बनाया है, जो ET ट्यूब के अंदर जो ब्लॉकेजेस है उसको डिटेक्ट करने के लिए ये एक डिवाइस बनाया है. एक और थर्ड डिवाइस है स्लीप एपनिया. स्लीप एपनिया के लिए स्टैंड अलोन डिवाइस है, जब सोते टाइम अपने को लगा के सोना है, अगर कोई प्रॉब्लम भी हुआ तो ये जो एयर फ्लो है वो ब्लॉक नहीं करेगा, तो जो स्लीप एपनिया में जो एयर फ्लो ब्लॉक होने की वजह से डेथ होती है वो कम हो जाएगी. ठीक. तो तीन आइटमें आपने बनाई. थैंक यू सर. सर नमस्कार. नमस्कार. नमस्कार सर. क्या यहाँ तो कहाँ से आए पहले थे? मैं सुहास हूँ, ये जुइली है. हम औरंगाबाद महाराष्ट्र से आए हैं. हम मराठवाड़ा मेडटेक लैब को रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ पे हम डॉक्टर्स हो गए, स्टार्टअप्स हो गए, उनकी जो ज़रूरत होती है उनके लिए हम काम करते हैं. जुइली आप बताइए. जैसे हर डिवाइस को कोई सेंसर्स रहा तो मॉनिटरिंग लगता है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल डिज़ाइन, इंक्लोजर डिज़ाइन बहुत ज़रूरी होता है हर मेडिकल इसमें. तो उसकी डिज़ाइनिंग राइट फ्रॉम कंसेप्ट टू फाइनल डिवाइस विद टेस्टिंग हम हमारे यहाँ कर पाते हैं. ठीक है. थैंक यू. थैंक यू सर. नमस्कार. नमस्कार. आप एग्जीबिशन में हिस्सा ले रहे हो, क्या है इसके अंदर आपका? सो मेरा नाम कमल नैन टिबरेवाल है एंड मैं एनर्जी ग्रुप से आया हूँ, नैनो मेडिसिन रिसर्च ग्रुप, जो ICT मुंबई के बेस्ड है. एंड हम लोग के ग्रुप में मोस्ट ऑफ द सेल कल्चर से लेके बायो प्रिंटिंग एंड एवरीथिंग फ्रॉम द माइक्रो फ्लूडिक्स सारे रिसर्च कैरी आउट किए जाते हैं. इसके अलावा बहुत सारे इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स वी आर कैरिंग ऑन, जैसे कि आप देख सकते हैं. एंड इसके अलावा वी प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप, जहाँ पे हमारे फूड स्टार्टअप हमारे ग्रुप से स्पिन ऑफ में, लाइक बायोग्राफ फूड्स. आई एम ऑल्सो द फाउंडर ऑफ बायोग्राफ फूड्स एंड वी आर वर्किंग ऑन कल्टिवेटेड मीट टेक्नोलॉजी, जहाँ पे हम सेल बेस्ड मीट डेवलप कर रहे हैं एंड बायो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी यूज़ करके. सो एनर्जी इज ऑल अबाउट प्रोमोटिंग इनोवेशन, जहाँ पे हम इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोट करते हैं. थैंक यू. सर नमस्कार. नमस्कार सर. ये एग्जीबिशन से मैं आप आए हो, अपना पूरा परिचय दीजिए और कहाँ से आए हैं? मैं हैदराबाद से आया है. हमारा कंपनी का नाम Aspire Bionest है. ये तो एक लाइफ साइंसेस का इंक्यूबेशन सेंटर है. हम स्टार्टअप्स को सपोर्ट करेंगे. पाँच साल में हम कम से कम 60 स्टार्टअप्स को हेल्प किया है. ये सब हमारा स्टार्टअप्स का प्रोडक्ट है. ये आपका स्टार्टअप का प्रोडक्ट है? हाँ, ये सब स्टार्टअप का प्रोडक्ट है. आप किस तरीके से हेल्प करते हैं स्टार्टअप पे? हम फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे, मेंटरिंग प्रोवाइड करेंगे और फंडिंग भी प्रोवाइड करेंगे. ठीक है सर. थैंक यू सर. नमस्कार. नमस्कार सर. कहाँ से आए हैं आप? हम तो IIT चेन्नई से आए हैं. IIT मद्रास से आए. अपना परिचय दीजिए. अब नो, वी आर फ्रॉम एलिक्सॉन हेल्थ केयर एंड वी आर फ्रॉम IIT मद्रास. And we are into healthcare for last 7 years. We have all Bluetooth based devices for the remote patient monitoring system. Through the device, the patient sits in home. All the vitals can push it to the hospital or the doctors. So by seeing the readings, the doctor can able to take decision and he can control the course of treatment or ask the patient to immediately rush back to hospital. Something happened. So it is a continuous virtual remote nurse. Virtual remote nurse. ये हमारा डिवाइस किसके लिए है? दिस इज फॉर फुल किट फॉर कैंप के लिए बनाया था. सारे के सारे इंफॉर्मेशन, पेशेंट का हाइट, वेट और ECG, ब्लड प्रेशर, ब्लड ग्लूकोमीटर, एवरीथिंग ये मशीन से बना के डॉक्टर का मिल जाएगा. सो डॉक्टर कैन मेडिकल कैंप में तो कुछ उसके हिसाब से उसका इलाज देगा, नहीं ये तो कुछ प्रिस्क्रिप्शन देगा. और सर ये डिवाइस? ये तो इसका छोटा वर्जन है. अच्छा. ये हैंडी, ये तो पेशेंट, ये तो कैंप के लिए बनाया था. अच्छा. ये तो व्हाट टू से, ये हैंडी वो घर पे बैठा ना वो पेशेंट के लिए बनाया था पोस्ट सर्जरी. और मैं यहाँ पर लेके आया हूँ, जो डॉक्टर भी आए हुए हैं, कुछ डिवाइस भी बनाई हुई हैं यहाँ पे, इस समय मिलेंगे.
एग्रीकल्चर के। मैडम जी नमस्कार। नमस्कार, अपना परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर प्रीति, मैं कैप्सबर एग्री साइंस से हूँ और हमारी कंपनी एग्रीकल्चर की में इनपुट से बनाती हैं। ऑर्गेनिक में जितने यूज़ होते हैं बायो पेस्टिसाइड्स, बायो फर्टिलाइजर, बायो स्टिमुलेंट्स और हमारी कुछ ट्रैप्स भी हैं फ्रूट फ्लाइज के लिए, तो ये हम बनाते हैं। आज हमारे इस ट्रैप का लॉन्च भी है इस इवेंट पे, और ये इसमें इनोवेशन ये है कि इसमें हमें 2 पेटेंट भी मिली हुई हैं। और ये मार्केट में जो मिलता है वो दोनों मेल और फीमेल फ्रूट फ्लाइज को ट्रैप करती है, सिर्फ मेल को करती है, और हमारा जो है दोनों मेल और फीमेल को ट्रैप करता है। और इसका जो लूर है ये हर एक फसल के लिए अलग होता है और पूरी फसल के दौरान ये लगता है। जो मार्केट में है वो 30 दिन का होता है पर ये 90 दिन तक चलता है, और ये हमारी स्पेशलिटी है। और ये 4 कंट्रीज़ में भी पेटेंटेड है, US में भी इसका पेटेंट हमें मिल चुका है। थैंक यू। थैंक यू सर। नमस्कार। नमस्कार, कहाँ से आए हैं आप? मैं गुजरात बड़ौदा से आया हुआ हूँ। सर अपना पूरा परिचय दीजिए। मैं कंपनी का ओनर हूँ, बायो टेक्नोलॉजी, मेरा नाम है प्रकाश वघासिया, मैं गुजरात से बिलोंग करता हूँ, बड़ौदा से। हम एक टेक्नोलॉजी किसानों को दे रहे हैं जिसमें जो बायोगैस प्लांट जो उसके पास होते हैं उसमें जो कचरा निकलता है उसको हम नए टेक्नोलॉजी से उसको ऑर्गेनिक खाद में कन्वर्ट करा के दे रहे हैं। करंटली गुजरात में नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड हमसे ये टेक्नोलॉजी प्रोसेस ले रहा है और उनको फर्टिलाइज़र में कन्वर्ट करके किसानों को सप्लाई दे रहा है। साथ साथ में कुछ गौशाला है उसको भी हम अभी दे रहे हैं, किसानों को भी हम दे रहे हैं। किसान भाई इसका फ़ायदा उठा रहे हैं जिससे खेतों में बहुत अच्छा रिजल्ट भी उसको मिल रहा है हमारी टेक्नोलॉजी से। ठीक है, थैंक यू सर। नमस्कार। नमस्कार, कहाँ से आए हैं आप? जी हम सोनीपत से हैं। पूरा परिचय दीजिए अपना। जी हमारा कंपनी एक्वा सिंथेसिस है, IIT दिल्ली में इंक्यूबेटेड है सोनीपत कैंपस में। तो वहाँ हम केसर उगाते हैं इनविट्रो कंडीशंस में, तो इसका मतलब होता है कि केसर कभी भी कहीं भी उगा सकते हैं। तो ये हमारा केसर का पौधा है, एक पौधा हमने लैब से उठा के ले आए हैं। इसमें इससे फूल निकलेंगे और हमारे सिस्टम में पानी ना कम हो सकता है ना ज़्यादा हो सकता है, तो सॉइल का वाटर सैचुरेशन मेंटेन रखता है। अगर कोई मतलब हम केसर प्रोवाइड करते हैं, हमारा प्रोडक्ट केसर है, बीज भी नहीं, केसर, केसर के दाने होते हैं, हाँ फाइनल प्रोडक्ट केसर। सर मैं तमिलनाडु वर रहा हूँ, तमिलनाडु कोडैकनल वर रहा हूँ, अगर मलेपुंड वह अरी மலைப்பூண்டு அங்கே அதிகமாக விளையுது. இந்த மலைப்பூண்டில் சாதாரண பூண்டை விட இந்த பூண்டில் மருத்துவ குணம் அதிகம், மற்றும் இது பாரம்பரியமாக இது பயிர் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம். புற்றுநோய்க்கு எதிர்ப்பு சக்தி இதில் அதிகமாக இருக்குது, அதே மாதிரி ப்ரெஷர், ப்ளட் ப்ரெஷர், ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் எல்லாமே அதிகமாக இருக்குது, மற்ற பூண்டை விட இதில் 17 மடங்கு அதிகமாக இருக்குது. அதனால் இதை வாங்கி யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ஹெல்த்துக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். ये इस समय जो देख रहे हैं आप लहसुन, ये मेडिसिन में काम इस्तेमाल होता है, मेडिसिन वाले लहसुन है, அது அதிகமா இருக்கு, மெடிசன் வேல்யூ ஹை, மெடிசன் வேல்யூ, ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் அதிகமா இருக்கு, அண்ட் கேன்சருக்கு எதிர்க்கக்கூடிய எதிர்ப்பு பொருள் அதிகமா இருக்கு. தேங்க்யூ.